1983 का वर्ल्ड कप भारत के लिए कई मायनों में आज भी ऐतिहासिक है। उसका असर आज भी हम देख रहे हैं। क्रिकेट में भारत सालों से अपना दबदबा बनाए हुआ है। इस वर्ल्ड कप ने भारतीयों को हीरो होने का मतलब भी समझाया। भारतीयों ने कई हीरो बनाए, उनमें से एक का नाम है मोहिंदर अमरनाथ। जिमी के नाम से मशहूर मोहिंदर के खून में ही क्रिकेट था। उनके पिता लाला अमरनाथ खुद एक महान भारतीय ऑलराउंडर थे, जिन्होंने देश के लिए पहला टेस्ट शतक जमाया था। मोहिंदर के भाई सुरिंदर अमरनाथ ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने भी टेस्ट डेब्यू में शतक जमाया था। बाद के दिनों में मोहिंदर अमरनाथ भारतीय क्रिकेट के जान बन गए। 1983 क्रिकेट का फाइनल मैच, भारत के पास पहली बार क्रिकेट का विश्व विजेता बनने का मौका था। सामने थी वेस्टइंडीज की टीम, जिसे हराना तब एक तरह से नामुमकिन ही माना जाता था। वेस्टइंडीज विश्व चैंपियन था और इससे पहले दो बार खिताब अपने नाम कर चुका था। ऐसे में क्रिकेट पंडित की पहली पसंद थी कैरेबियन टीम, लेकिन उस दिन कुछ और ही होना था। फाइनल मैच में मोहिंदर अमरनाथ ने पहले अपने बल्ले से और फिर अपनी गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को लगातार तीसरा खिताब जीतने से रोक दिया। अमरनाथ ने वेस्टइंडीज पेस अटैक के सामने 26 रन बनाए और 3 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ की महानता सिर्फ इस एक मैच से नहीं है। मोहिंदर अमरनाथ ने 69 टेस्ट खेले और 4378 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 32 विकेट भी उनके खाते में आए। वहीं 85 वनडे मैचों में उन्होंने 2 शतक और 13 अर्धशतकों की मदद से 1924 रन बनाए और 46 विकेट भी लिए। मोहिंदर अमरनाथ अपने बेखौफ अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। 1970 के दशक में जब उन्हें लगातार टीम से बेवजह अंदर बाहर किया जा रहा था, तो उन्होंने बिना डरे उस दौर के चयनकर्ताओं को जोकरों का झुंड कह दिया था। दिलचस्प यह है कि बाद में खुद अमरनाथ भारतीय टीम के सेलेक्टर बने। साल 2011 में भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में लगातार 8 टेस्ट भी गंवाए थे। कहा जाता है तब अमरनाथ धोनी को हटाना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद उन्हें सिलेक्शन टीम से हटा दिया गया। अमरनाथ हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने गए जिसने बेखौफ होकर अपने फैसले लिए और अपनी बात कही। ये थी अमरनाथ की कहानी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए टीवी9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।